गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ वेरी गुड पोएम विद अस एंड इन दिस पोएम वी विल लर्न अबाउट द वैल्यूज ऑफ होम एंड द लव वी गेट इन आवर होम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? द पोएट इन द चैप्टर हु इज लॉरेन एम हाली, इन्होंने बताया है क्या डिफरेंस है एक घर में और एक मकान में. ओके, तो मकान बेसिकली हम हाउस को रेफर करेंगे और घर जो हमारे परिवार से बनता है, प्यार से बनता है, उसे हम होम से रेफर करेंगे. तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाहता है इस पूरी पोएम में, हमारा सेंट्रल आइडिया पोएम का यही है कि द फैमिली विच इज़ टुगेदर, विच लिव्स टुगेदर, ईट्स टुगेदर, लाफ्स टुगेदर, मेक्स द होम. जहाँ भी परिवार साथ होगा वहीं हमारा घर होगा. ओके, सो आइए देखते हैं इसमें क्या है. द पोएम रीड्स, व्हाट इज अ हाउस? क्या है एक घर? क्या है एक मकान? इट इज़ अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड्स दैट हार्ड. ये बना हुआ है ब्रिक यानी कि ईंटों से, स्टोन यानी पत्थर से, और वुड से लकड़ी से, जो कि बहुत ही मजबूत है, बहुत ही हार्ड है. सम विंडो ग्लासेस एंड परहैप्स अ यार्ड. कुछ खिड़कियां हैं जिन पे कि शीशे लगे हुए हैं, घर जो हमारा मकान है, घर है, और उसमें शायद कोई थोड़ा सा प्लेग्राउंड है या पीछे एक हाता है या कोई थोड़ी जगह है जहां पर कि खाली जगह है हमारे घर से जुड़ी हुई. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स. इसमें जो दो छत्ती है या जो छज्जे कहते हैं घर में, खिड़कियों के ऊपर होते हैं वो है. इसमें चिमनियाँ हैं जिससे कि घर का धुआं वगैरह बाहर निकलता है, गैस के ऊपर मोस्टली लगी रहती हैं. एंड टाइल फ्लोर्स, और जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, जो फर्श है, वो टाइल्स की लगी हुई है. एंड स्टको एंड रूफ, और छत है और उस पर की गई प्लास्टर है. स्टको मीन्स प्लास्टर. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और घर है तो उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं. ये सब चीज़ें क्या बना रही हैं? आप देख रहे हैं कि हमारा जो मकान बनता है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनता है. ईंटें से बनता है, सीमेंट से बनता है, बालू से बनता है, इज़न्ट इट? लोहे से बनता है, खिड़कियाँ लगती हैं तो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, टाइल्स, फ्लोर्स, मार्बल्स, ये सारी चीज़ें. आर दे लिविंग? क्या ये लिविंग चीज़ें हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सभी नॉन लिविंग चीज़ें हैं. और जब इन सभी नॉन लिविंग चीज़ों से हमारा मकान बनता है तो वो एक मकान है. अब मकान को घर कौन बनाता है? आइए ये देखते हैं कि वॉट इज़ अ होम, एक घर क्या है. इट इज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. होम घर क्या है? घर है प्यार करना, अपने परिवार को प्यार करना और दूसरों के लिए कुछ करना. जैसे मम्मी खाना सबके लिए बनाती हैं, पापा इनकेस बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, आजकल तो मम्मी भी जॉब करती हैं, तो वो सबके लिए अर्न करते हैं, सबके लिए कमाते हैं. आप पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं कि कल को आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, इजंट इट? तो इन दिस वेरी फैमिली, इन दिस होम, हर कोई एक दूसरे के लिए कुछ कर रहा है. सिर्फ अपनी सेल्फिश इंटेंशन से कोई कुछ भी नहीं कर रहा है. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. जो हमारा घर होता है वो बनता है भाइयों से, बहनों से, पापा से, मम्मी से, कहीं कहीं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, पेट भी डांस साथ में रहते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग. यहाँ पर कोई भी स्वार्थी नहीं होता है. जो हमारा घर होता है वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं होता है कि मेरा मतलब निकल जाए बस, या सिर्फ मैं अपने लिए खाना बना दूं. क्या मम्मा कभी ऐसा सोचती हैं? क्या पापा सिर्फ कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने लिए कब से कपड़े ले लूं या मैं आज अपने घूमने कहीं चला जाऊं? ऐसा कभी नहीं होता है. फैमिली में जो कुछ भी होता है वो एक दूसरे के लिए होता है, निस्वार्थ भाव से होता है, और सब मिलजुल करके करते हैं, इसीलिए वो घर है. एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. और अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जो आपके परिवार में हैं, उनको आप दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं. यू शो दैट यू केयर. उनकी तबीयत ख़राब हो आप दवाई देते हैं, पानी देते हैं, उनकी हेल्प कराते हैं. इन सब चीज़ों से आप शो करते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं. तो जो मकान बनता है वो तो नॉन लिविंग थिंग से बनता है, लेकिन एक मकान घर कब बनता है? जब उसमें लोग रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं, तो हमारा मकान जो है वो घर बन जाता है. तो बेसिक डिफरेंस आप आई थिंक समझ चुके हैं कि वॉट इज़ अ हाउस एंड वॉट इज़ अ होम. ओके, सो आई होप दैट सेंट्रल आइडिया इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू कि वेयर देर इज़ फैमिली देर इज़ लव, देर इज़ सेल्फलेस लव, देर इज़ केयर,
and that makes the home. This is the central idea which the poet is willing to give us. जो हमारा कवि है वो हमें समझाना चाहता है कि परिवार से ही घर बनता है, ये ईंटे पत्थर से घर नहीं बनता है. ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. इसका समरी मैं आपको दे दूंगी, आप खुद से लिखें तो और भी अच्छा है. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि ब्रिक है उसका मतलब ईंट है, मैं आपको फिर से बताती हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे. ब्रिक मतलब ईंट होता है, स्टोन मीन्स पत्थर, वुड मतलब लकड़ी, ग्लास मतलब शीशे, यार्ड मतलब खाली जगह, खाली फील्ड, ईव्स मतलब छज्जा जिसपे नॉर्मली जो खिड़कियों के बाहर होता है जिसमें अक्सर आप देखते हैं बर्ड्स नेस्ट वगैरह बनाती हुई हैं. ठीक है, चिमनी जो धुआं निकालने के लिए घर से बाहर होती है, टाइल्स जो फ्लोर पे लगती हैं, स्टको मैंने बताया आपको जो प्लास्टर होता है, रूफ मतलब छत होती है, डोर मतलब दरवाज़ा, आप सभी जानते ही हैं. इसके साथ काइंडनेस, काइंडली मतलब समझ रहे हैं, किसी के लिए दया दिखाना, किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करना, अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ कुछ करना. एंड आई होप ये मीनिंग्स आपको क्लियर होंगी, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट तो इसमें नहीं है. एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या पूछा गया है. इसमें कह रहा है, डू यू अग्री व्हाट द पोएट सेज, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो भी जो पोएट है वो कह रहा है. टॉक टू योर पार्टनर एंड कम्प्लीट दीज सेंटेंसेज, अपने पार्टनर से बात करिए और इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करिए. तो मैं तो अग्री करती हूँ कि जो पोएट जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है. अब इसे कंप्लीट करते हैं. अ हाउस इज मेड ऑफ, एक मकान किस चीज़ों से बनता है, तो हमने देखा सीमेंट से बन रहा है, ब्रिक से बन रहा है, स्टोन से बन रहा है. ठीक, इट हैज़, उसमें क्या क्या है, उसमें टाइल्स फ्लोर्स हैं, उसमें स्टकोज हैं, उसमें चिमनीज हैं, उसमें वुड है, उसमें विंडो ग्लासेस हैं, इज़न्ट इट. थर्ड कह रहा है, अ होम इज़ मेड बाय, एक घर किससे बनता है, तो एक घर बनता है मम्मी पापा से, भाई बहन से, ग्रैंड पेरेंट्स से, लव से, केयर से. इट हैज़ लव, हमारा जो घर बनता है उसमें बहुत सारा प्यार होता है और एक दूसरे के लिए बहुत सारी परवाह होती है. सेकंड कह रहा है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम, अब आप अपने मकान और अपने घर के बारे में यहाँ पर लिखेंगे. माई हाउस इज़, आपका घर कैसा है, किसका बना है, ये आप लिखेंगे. नेक्स्ट आप लिखेंगे, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, अब आपको अपने घर के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, आप यहाँ पर वो लिखेंगे. मुझे तो अपने होम के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि मुझे मेरा होम बहुत पीसफुल लगता है. मेरे होम में छोटा सा टेंपल है जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, मेरे पास एक पेट है जिसकी मैं ख्याल रखती हूँ, वो मेरे साथ ही रहता है, मेरी मम्मी रहती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं, मैं अपनी मम्मी का ख्याल रखती हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स माई होम एंड दिस इज़ वाई आई लव माई होम. आपको अपना घर क्यों पसंद है, ये आप ज़रूर लिखेंगे. आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे. समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद से लिखें तो और अच्छा है. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए. एंड दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम योर बुक हनी सक्का लोनली. ओके, आफ्टर द पैट्रिक्स दिस इज़ द न्यू पोएम. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास.